मिस कैथरीन मेयो के वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 22nd चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कैथरीन ने बहुत अहम मुद्दों को डिस्कस किया है। सबसे पहले वे मुद्दा उठाती हैं कि ब्रिटिश सरकार से यहाँ के जो हमारे भारतीय रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्वराज की मांग करते हैं, लेकिन स्वराज की मांग चाहने वाली ये रिप्रेजेंटेटिव बेहद बेईमान है। उनमें सेंस ऑफ जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है। वे सत्ता का हस्तांतरण चाहते हैं और निम्न वर्ग की कोई भी भागीदारी जो है उस आजाद भारत में ये लोग सुनिश्चित नहीं करना चाहते। जिसे पढ़कर एक पल को भी मुझे ये नहीं लगा कि तकरीबन 95-96 साल पहले का ब्यौरा है, लगा ये आज की मौजूदा संसद का ब्यौरा हमारे सामने जस का तस रख दिया गया है। कोई भी सुधार उस समय ब्रिटिश सरकार निम्न वर्ग के लिए करती थी या आम जनता के लिए करती थी तो उसका ये स्वराज चाहने वाले नेता जो है पुरजोर विरोध किया करते थे। उसके बाद कैथरीन जो है वो दूसरा पहलू उठाती हैं कि हिंदू जो हैं वो कितने झूठे और ढीठ होते हैं, यदि उनका झूठ पकड़ भी लिया जाए तो भी वे निर्लज्ज की तरह बिहेव करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दिए गए ब्यौरों को जब आप क्रॉस चेक करते हैं और उन्हें झूठा पाते हैं तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके बिहेवियर में कोई बदलाव भी आप नहीं देखते हैं। उसके बाद सबसे अहम बिंदु को कैथरीन उठाती हैं कि उनके झूठ को सच मानने का जो मलाल आपको होता है, तो यहाँ पर वो एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं कि झूठ को सच मानना और फिर ये आपको पता चलना कि जो आपने माना था वो दरअसल झूठ था, उसके बाद जो आपको मलाल होता है उससे भी इन हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे अहम बात जो थी वो कहते हैं कि अधिक धन के लिए वापस आते हैं आपके अमेरिकन जो मिशनरी हैं, तो सच्ची कहता हूं हमारे गौरव को चोट पहुंचती है, इसलिए हमें उस पर संतुलन के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मतलब किसी भी तरह की कोई शौर्य गाथा इनके नाम पर रजिस्टर नहीं है, तो इन्होंने झूठी मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो गढ़ ली हैं और आम जन के बीच में उनको इतना प्रचलित और प्रसारित कर दिया है कि ऐसा लगता है कि ये घटनाएं जो हैं वाकई कभी इतिहास में घटी होंगी, जबकि आप उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर फैक्ट चेक के साथ जब क्रॉस चेक करते हैं तो आपको ये घटनाएं कहीं मिलती ही नहीं है। तो यहां तक हमने पिछले एपिसोड और चैप्टर में पढ़ लिया था और अब हम यहां से अपने डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे और 23rd चैप्टर की तरफ चलेंगे और वहां पर हम जानेंगे कि राजे रजवाड़ों का क्या महत्व था और उनका रवैया क्या था आम जनता के प्रति। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा, अध्याय 23, भारत के राजे महाराजे। अभी तक हमने ब्रिटिश भारत की चर्चा की है जो भारतीय साम्राज्य से अलग है और जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें दोनों शामिल हैं। भारतीय साम्राज्य के कुल क्षेत्रफल 18,05,332 वर्ग मील के 39% क्षेत्र भारतीय रियासतों का है। साम्राज्य की कुल जनसंख्या 31,89,42,480 है, जिसमें से 23% जनसंख्या यानी 7,20,00,000 लोग भारतीय रियासतों में रहते हैं। फुटनोट 1, देखिए स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1914-15 टू 1923-24 पेज 325। व्यक्तिगत रूप से रियासतों के क्षेत्रफल 20 वर्ग मील या उससे भी कम हैं, तो कई इटली जैसे बड़े हैं। हर रियासत पर उनके राजा का शासन होता है। यदि राजा अल्पवयस्क है यानी कि माइनर है तो उस पर उसके रीजेंट या प्रशासक का शासन होता है। कुछ शासक हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख अथवा अपने इतिहास के अनुरूप हैं। मतलब पुश्तैनी चले आ रहे हैं या लड़ झगड़ के सत्ता का जो है बदलाव। क्षेत्रीय अखंडता और रियासतों में राजाओं की संप्रभु अधिकारों को 1898 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में बृहत्तम शक्ति प्राप्त करने के बाद विशेष शपथ का विषय बनाया गया था। तो 1898 का जो अमेंडमेंट था वो हमने पढ़ा था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके बाद रानी विक्टोरिया ने पूरे सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था और साथ ही ये भी ऐलान किया था कि यहाँ पर धर्म को लेकर ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए और रियासतों के साथ भी जो तरह तरह के करार हुए, समझौते हुए, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। उनमें यह नियम स्थापित किया गया था कि ब्रिटेन अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोई इच्छा नहीं रखता है,
लेकिन भारतीय रियासतों पर किसी अन्य को भी आक्रमण करने की अनुमति नहीं देगा। महारानी ने कहा, हम देशी राजाओं को अपना मानते हुए उनके अधिकारों, उनकी गरिमा और मान मर्यादा का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि वे और साथ ही हमारी प्रजा भी उस समृद्धि और सामाजिक उन्नति का उपयोग करे जिसे केवल आंतरिक शक्ति और अच्छी सरकार से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार और सत्तारूढ़ शासकों के बीच संबंध संधि का संबंध था, न कि पराजित और विजेता का संबंध था। तो मतलब तरह तरह के करार किए गए थे, यहाँ के राजे महाराजाओं ने साफ तौर पर घुटने टेक दिए थे ब्रिटिश शासकों के सामने। आप इस बारे में अवध को लेकर शतरंज के खिलाड़ी देख सकते हैं फिल्म, बहुत बेहतरीन फिल्म है और उसमें दिखाया है कि किस तरीके से घुटने टेके जाते हैं बिना लड़े ही। यह संधि राजाओं को अपने तरीके से सरकार चलाने की स्वतंत्रता देती है, अपने तरीके से कर लगाने और अपने राज्यों में जीवन एवं मृत्यु के अधिकार को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता देती है। ब्रिटेन की ओर से इस संधि का आधार क रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते हुए चतुराई के साथ प्रगतिशील कानूनों को लागू करना, गंभीर जरूरतों के संदर्भ में ही रियासतों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना और ख साम्राज्य चरित्र के स्वरूप में संपूर्ण देश के हितों की रक्षा करना। हालांकि राज्य और राज्य के बीच विदेश संबंध और वार्ताएं अनिवार्य रूप से सर्वोपरि सत्ता के अधीन होनी चाहिए। प्रत्येक बड़े राज्य में सत्ता रूढ़ राजा को सलाह देने के लिए एक ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी तैनात किया गया है जो रेजिडेंट कहलाता है। इसी तरह के छोटे राज्यों के लिए ब्रिटिश सलाहकारों की नियुक्ति की गई है जो वॉयसराय सरकार की राजनीतिक शाखा के सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल जैसे कि डबल इंजन सरकार, द्विशासन प्रणाली, इससे आप इसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे अधिकार जो है वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखे थे। करार का मतलब ये था कि आप हमारे सामने घुटने टेक रहे हैं, आपके डे टू डे लाइफ में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जहां पॉलिसी मेकिंग होगी वहां पर जो है ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा। वर्ष में एक बार दिल्ली में वॉयसराय की अध्यक्षता में राजाओं को सामान्य नीतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है। ये सभा एक वैभवपूर्ण, भव्य और गरिमामय समारोह होता है और यदि इस आम समय में प्रतिनिधि तत्वों में आत्मनिहित स्वभाव के कारण कोई महत्वपूर्ण पेशेवर बात सामने नहीं आती है तो भी उसकी संसद अपने सही उद्देश्य को पूरा करती है। तो आत्मनिहित स्वभाव यानी के सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने मुंह मियां मिट्ठू जो राजे महाराजे बनते हैं, अपने झूठी शान और शौकत के किस्से सुनाते हैं, हकीकत में उन्होंने किस तरीके से घुटने टेके हैं, वरना मुट्ठी भर लोग क्या पूरे देश पर राज करने की हुकूमत वो कुवत रखते थे? इन्हीं लोगों की बदौलत राज किया है अंग्रेजों ने और बाकी सब ने भी, क्योंकि एक अनुकूल तत्वाधान में व्यक्तिगत परिचय के माध्यम से रजवाड़ों के बीच संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाता है। तो अंग्रेज भी जो है फालतू की लड़ाई झगड़े से बचना चाहते थे, जिसे कहते हैं ना अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना चाहते थे उचित समय के लिए। इसलिए जरूरत के मामलों में भी तेजी से आम कार्यवाही के लिए वह एक सही माध्यम है। फिर भी इस सभा में दो या तीन बड़े राजाओं ने यांत्रिक कारणों से कभी आना स्वीकार नहीं किया है। भारतीय रियासतों का दौरा करने में प्रशासन के वास्तविक स्वरूप के एक विचार में पहुंचना बहुत ही कठिन है। अगर कोई राजा का अतिथि होता है तो वह भी भव्य अतिथि का आनंद लेता है। किसी व्यक्तिगत मेजबान की तरह राजा संपत्ति का दिखावा करता है, उसे उन भागों को दिखाता है जो सबसे उल्लेखनीय होते हैं, मतलब अपना पूरा पूरा प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं उस झूठी शान शौकत का। प्राचीन महलों से आधुनिक सुधारों तक फैली सुंदरता किसी की भी आंखों को चौंधिया देती है और शायद ही पूरब या पश्चिम का कोई मेजबान ये कहता हो अब तस्वीर के दोष कहाँ हैं। तो मतलब उनको इतना ऑब्लाइज कर देते हैं अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे गिफ्ट और अच्छे ट्रीटमेंट के साथ कि उन लोगों को जो है वो खामियां की तरफ से जो है वो मुंह फेर लेते हैं। फिर भी ये निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि कुछ रियासतों में शासन बहुत अच्छा है, या ये कहें कि अधिकांश ठीक से शासित हैं।
जिनमें कुछ पिछड़ी हुई रियासतें भी शामिल हैं, लेकिन कुछ रियासतों में शासन की बुरी स्थिति है। ये अंतिम भारत के स्वर्ण युग का प्रदर्शित करता है और इसे वैसे ही सुरक्षित रखा गया है, आग की लौ में मक्खी की तरह। और व्यंग्य कर रही हैं वो, आपने कहानी सुनी होगी कि कभी हमारे दरवाजे पर हाथी बंधा होता था, अब हाथी तो नहीं है लेकिन जंजीर फिर भी जो है वो कंधे पर टंगी रहती है, ये दिखाने के लिए। तो उसी दिखावे को व्यंगात्मक शैली में यहाँ पर कैथरीन लिख रही हैं। उनका दरबारी जीवन और लोगों का जीवन अरेबियन नाइट्स के किस्से हैं। एक तरफ क्रोध का अजीब प्रकोप, ईर्ष्या और हिंसा, पसंदीदा वजीर का अचानक रातों रात गायब होना, भयंकर सजा और जहर देना, और औरतों के कभी खत्म न होने वाले नैतिक षड्यंत्र। तो हम इसी के भाग दो में पढ़ चुके हैं कि ब्राह्मण जो है वो इस बात को कबूल करते हैं कि हमें अपनी स्त्रियों से डर लगता है, इसलिए हम उनको बहुत उनका शोषण करते हैं ताकि वो हमसे डर कर रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी पत्नियां उनको जहर देकर मार ना दें। तो ये जिक्र वहां पर आ रहा है, मैच कर रहा है। तो दूसरी तरफ बेजान निम्न वर्ग है जो अपना दुखड़ा सुनाने पर भी कुचल दिया जाता है। पुराने जमाने में राजकुमारों को अपने लोगों के साथ वैसा ही संबंध होता था जैसा कि किसी हरे भरे पेड़ का उसकी कमजोर और बेहद थकी हुई जड़ों से। वह उन्हें चूसकर खोखला कर देता है और इसके बदले उसे बहुत कम या कुछ भी नहीं देता है। इस तरह के राजा के अधीन यदि वे बहुत ही ज्यादा बेरहम न हो तो आज भी लोग संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका अब तक का संपूर्ण इतिहास बताता है कि उनके अस्तित्व के दूसरे तरीके की संभावना या तो कम है या फिर कुछ भी नहीं। तो यहाँ के राजे, रजवाड़े, बड़ी बड़ी रियासतें, इनकी शान और शौकत, ये सब कुछ जो है वो आम जनता का या निम्न वर्ग का खून चूसकर ही इन्होंने हासिल की है। उनसे बेगार कटवाना, फिर भी उन्हें दुत्कार देना, उन्हें दिखावा बहुत पसंद है, इसलिए अपने राजकुमारों के जन्मदिन, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों के विशाल और शानदार समारोह में जो वे करते रहते हैं, इतना अधिक खर्च करते हैं कि इसके कारण करों का बोझ जनता पर पड़ता है जो शायद ही ब्रिटिश शासन के लिए वहन करने योग्य है। तो यहां पर मुझे ना प्रेम रोग का एक डायलॉग याद आता है जो शम्मी कपूर बोलते हैं ऋषि कपूर से, कि हम बड़े लोग जो है दिखावा करते हैं, हमारे घरों में जो संस्कार होते हैं वही आगे चलकर आम जनता जो है वो अडॉप्ट कर लेती है। तो आजकल आम जन को भी, निम्न वर्ग को भी आपने देखा होगा, बहुत बहुत शानो शौकत दिखाने की कोशिश करता है, बेटियों की शादी में, बेटों की शादी में, या इस तरह के धार्मिक आयोजनों में उसकी औकात से बढ़कर वो खर्च करता है। और बहुत सारे लोग तो या तो घर बेच देते हैं या कर्जा उठाते हैं बच्चों की शादी के लिए। तो इन घरों से निकलने वाला पाखंड जो है वो आम जनता उसको फॉलो करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने बड़े लोग, इतने शिक्षित लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो जरूर सही ही होगा। तो ये अशिक्षा का प्रभाव है आम जनता के ऊपर। हालांकि कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार की प्रवृत्ति इसे समान बनाने की है। ये काफी हद तक अपनी संपत्तियों की स्थिति के लिए शासकों की बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण है। इतना तामझाम फैलाते हैं उसके लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और फिर ये आम जनता को निचोड़ते हैं, खास तौर से किसानों को। या फिर प्रगति तब होती है जब एक अयोग्य शासक को हटाकर राज्य का प्रशासन राज्य प्रतिनिधि अर्थात रेजिडेंट के हाथों में सौंप दिया जाता है। ऐसा उत्तराधिकारी के अवयस्क होने की अवधि में भी हो सकता है, इसलिए एक तुलनात्मक स्थापित की जाती है जो कि सक्रिय असंतोष को मदद करने वाली होती है। अगर कोई प्रतिगामी सरकार अपनी गुणवत्ता को नीचे से लागू करने की कोशिश करता है, तो कैथरीन ये बता रही हैं, ये मामला रिप्रेजेंटेशन का है। निम्न वर्ग जिन्हें हमेशा दबा कुचला गया है उनके उत्थान की कोशिश सबसे पहले यदि कोई सरकार करती है तब समानता के अधिकार को लाना ज्यादा आसान है। एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में ऐसे उत्तराधिकारी राजकुमार का उदाहरण दिया जा सकता है जिसकी अल्प वयस्कता 20 वर्षों तक चली। इस अवधि में रियासत का प्रशासन ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में रहा और उस राज्य के इतिहास में पहली बार जनता से प्राप्त राजस्व से जनता की सेवा की गई। अच्छी सड़कें और पुल बनाए गए,
स्कूल खोले गए, एक आधुनिक अस्पताल स्थापित किया गया जिसमें योग्य डॉक्टर और कर्मचारी रखे गए, कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया, व्यापार और उत्पादन के कारखानों को बढ़ावा दिया गया, राजकोष को संपन्न बनाया गया, एक सुरक्षित आपात कोष का निर्माण किया गया और न्याय को सबके लिए सुलभ बनाया गया। ये सबसे अहम बात है, निम्न वर्गों तक तो ये न्याय कभी पहुंचा ही नहीं, उन्हें सिर्फ राजतंत्र में राजशाही के हुक्म को ही उसी की तामील करनी होती थी, तो न्याय कहां से मिलता। इस अपूर्व सुख के वर्षों में लोग उस दिन को सोचकर विलाप करते थे कि जब उनकी आंखों का प्रिय और अनुष्ठानिक रूप से अर्ध दिव्य राजकुमार बालिग होकर आएगा। विडंबना देखिए, जिस निम्न वर्ग का उत्थान करने के लिए अंग्रेज काम कर रहे हैं वही निम्न वर्ग जो है उनको धिक्कार रहा है, क्योंकि अशिक्षित जनता के मन में ये बात ठूस दी गई है कि राजा ही जो है वो प्रजा का पालन पोषण करता है, ये तो विदेशी हैं और ये हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करने आए हैं यहाँ पर। इसीलिए इनके जो ब्रिटिश सरकार है यहाँ के आम जनता के हालत को सुधारने के लिए जो भी काम कर रही है, आम जनता उसको धार्मिक तरीके से देख रही है कि ये तो विधर्मी है और हमारा भी धर्म भ्रष्ट करेंगे। फिर से सुनिए इस लाइन को। इस अपूर्व सुख के वर्षों में लोग उस दिन को सोचकर विलाप करते थे जब उनकी आंखों का प्रिय और अनुष्ठानिक रूप से अर्ध दिव्य राजकुमार बालिग होकर आएगा और उन पर उसी तरह राज करेगा जिस तरह उसके बाप दादा और उसके बाप दादाओं ने किया था। व्यंग्य कर रही है खासा। और वह दिन आया जब उस लड़के अर्थात राजकुमार ने काम काज संभाला, एक बार फिर पत्नियां रखेले, राजदरबारी नर्तकियां और महत्वाकांक्षी रिश्तेदार उस पर हावी हो गए। क्षमा चाहती हूं, इसमें इसी तरह के शब्द लिखे हैं तो शब्द दर शब्द पढ़ने की वजह से मैं उसको जस का तसी पढ़ रही हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। अगर कोई ऐसा शब्द आए जो आपत्तिजनक हो मुझे माफ कर दीजिएगा। उसे लुभाने वाले खेल शुरू हो गए जिसमें उनकी ऊर्जा और इच्छा शक्ति लुप्त हो गई, पुरुषत्व क्षीण हो गया और उस पर नियंत्रण करना आसान हो गया। 3 वर्षों में ही पिछले 20 वर्षों का काम ध्वस्त हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मौजूदा सरकार के किए गए काम हैं। ये लोग हमेशा कहते हैं पिछले 70 सालों में क्या हुआ, पिछले 70 सालों में जो हुआ उसी का नतीजा है कि सरकार ने नवरत्न कंपनियों को, जो भारत का गौरव समझी जाती थी सरकारी कंपनियां, उनको एक एक करके बेच दिया अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के हाथों। 3 वर्षों में ही पिछले 20 वर्षों का काम ध्वस्त हो गया, राजकोष खाली हो गया, कर अर्थात टैक्स और बढ़ गए, जनसेवा के काम फीके पड़ गए, $500 प्रति माह पाने वाला बढ़िया डॉक्टर $16 पर आ गया, अस्पताल में योग्य कर्मचारियों की जगह बेकार के पिछलग्गुओं ने ले ली, खुद अस्पताल भी कुत्ता घर में बदल गया और दूसरे विभागों की भी इसी तरह भारी दुर्दशा हो गई। न्याय नाम की कोई चीज नहीं रह गई, इंसाफ अब पैसे से खरीदा जाने लगा था और कोई भी उन फैसलों के खिलाफ अपील नहीं कर सकता था, सिवाय पैसे के कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। हर जगह घूस का बोलबाला था और उनके युवा राजा के भ्रष्टाचार और दुर्व्यसनों के लिए धन हासिल करने के लिए लोगों का खून निकाला जाने लगा था। अंत में उन्होंने अपने पुराने मित्र रेजिडेंट के पास आकर फरियाद की, उन्होंने आमजन ने, हम उनके बीच लंबे समय तक रहे हैं और उन्होंने हम पर शासन किया है, किंतु हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, अब हम और सहन नहीं कर सकते साहब, अब वापिस आ जाएं और हमें पहले की तरह शांति न्याय और अच्छा जीवन दें। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था, तो एक पॉजिटिव विचार की क्या ताकत होती है अब ये समझ लीजिए। अंग्रेज जिस सुधार को, जिस पॉजिटिव विचार को आम जनता में बो रहे थे वो धीरे धीरे फल देने लगा था उसका पेड़, आम जनता सोचने लगी थी और उन्हीं सब चीजों का नतीजा था जो हमारे महापुरुष महात्मा फूले हैं, अंबेडकर हैं, शाहूजी महाराज हैं, पेरियार हैं, गाटके हैं, संत गाटके हैं, ये सब महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला उसके बाद चल निकली। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और यदि न समझ में आई हों तो मौजूदा सरकार के कार्यकाल के ऊपर एक बार नजर डाल लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा,
यहाँ जो कैथरीन ने लिखा है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरे सोशल मीडिया पर स्प्रेड करना इन्हें ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।